रही हैं। सभी देश प्रदेश व क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक श्री चुनमुन गर्ग, चुनमुन किराना स्टोर, चौधरीवाड़ा, सिकंदराबाद एवं चुनमुन किराना स्टोर होलसेल साइट फॉर ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। ग्रेटर नोएडा सूरजपुर पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जो आपके गैंग के साथ मिलकर राहगीरों को कार में लिफ्ट देकर यात्रियों से लूट किया करते थे। ये गैंग अपने साथियों के साथ मिलकर राहगीरों को जबरदस्ती कार में लिफ्ट देकर बिठा रहे थे। उसी दौरान रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने इस घटना की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने वीडियो के आधार पर लिफ्ट देने वाले लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। अपराधी की पहचान रिंकू पुत्र मानसिंह गांव चचूला दनकौर थाना क्षेत्र के रूप में हुई है। वहीं खड़े अन्य व्यक्ति ने सारी घटना की वीडियो बनाकर पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत घटना की जानकारी को संज्ञान में लेकर मिली वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी और अपराधी को कुछ ही दूरी पर गिरफ्तार कर लिया। अपराधी से 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस, एक मोबाइल, कुछ केस भी बरामद किया है। 27/12/2019 को हमारे यहाँ एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति को जो है जबरदस्ती गाड़ी के अंदर बैठाया जा रहा था। उसमें एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जिसमें दो लोगों की पहचान की गई थी। उसमें एक व्यक्ति जो है और वो गाड़ी बरामद हुई थी, वो जेल गया था। एक व्यक्ति जो अभी हमारे पास बरामदगी के लिए शेष था, जिसको पकड़ना था, उसको हमारी टीम ने मैं तमंचा गिरफ्तार किया है। इसका नाम रिंकू है, ये दनकौर का रहने वाला है। और इसमें एक सीसीटीवी फुटेज हमें मिला था। उस सीसीटीवी फुटेज में इन दोनों की जो है वो साफ तस्वीर निकल के आ रही थी, जिसमें ये लोगों को लिफ्ट देने के बहाने उनको बैठाते थे गाड़ी में और बाद में लूट लेते। कितनी घटना को अंजाम दे चुके हैं सर अभी तक? जो है वो जो पहले व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसके ऊपर 3-4 मुकदमे हैं। इस पे कोई मुकदमा नहीं है, पर हम जो है वो और भी इसकी जांच करा रहे हैं किसी और थाने से कोई मुकदमा हो। पुलिस ने केस दर्ज कर अपराधी को जेल भेज दिया। टाइम 24 न्यूज के लिए नोएडा से भूपेश प्रताप की रिपोर्ट। सभी देश प्रदेश व क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक बब्बन खान गौशाला वाले चंदियाना, बुगरा से बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश।